नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। सभी को धनतेरस की ढेरों 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 शुभकामनाएं इन एडवांस। इस बार दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया योग पड़े हैं धनतेरस के दिन। विजय योग जो है, विजय मुहूर्त इस समय इस धनतेरस पर बहुत बढ़िया है। वैसे मैं आपको पहले समय बता दूँ, समय धनतेरस की जो पूजा का समय रहेगा वो 10 नवंबर शुक्रवार के दिन शाम 6:20 से 8:20 तक का रहेगा। मतलब कंप्लीट 2 घंटे मिलेंगे आपको पूजा के लिए। वैसे धनतेरस की शुरुआत हो जाती है 10 नवंबर वाले दिन 12:35 से, जो 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहने वाला है। धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू हो रही है, जो दूसरे दिन मतलब 11 तारीख को दोपहर 1:57 तक रहने वाला है। बराबर जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 6:20 से 8:20 तक रहने वाला है। और बहुत अच्छी बात ये है कि आज प्रदोष है, तो प्रदोष के समय पूजा करने का बड़ा महत्व है। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:15 से 3:01 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त है वो 12:12 से शुरू होगा और 12:45 तक रहने वाला है। तो आज के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं भगवान कुबेर की, धन्वंतरी की, और आज ही के दिन पूजा होती है यमराज की। माता लक्ष्मी की पूजा दोस्तों दीपावली की रात को भी की जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भगवान कुबेर के साथ, धन्वंतरी के साथ और यमराज को भी आज के दिन दीपदान कर दिया जाता है। आज के दिन स्पेशली धन की पूजा होती है। जो भी धन है आपके पास, किसी भी रूप में हो, घर में जो भी आपके पास कैश पड़ा हो, गहने हैं, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं पूजा में। घी का दिया जलाया जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है, मिठाई अर्पित की जाती है माता लक्ष्मी को, उन्हें लाल और पीले कलर के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। और आज के दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होता है, कुबेर के मंत्रों का जाप होता है। आज के दिन घर में श्री शुक का पाठ जरूर करना चाहिए। माता रानी की जो पूजा की स्थापना है ये धनतेरस के दिन ही हो जाती है। मैं आपको बता दूं, धनतेरस के दिन, दूसरा काली चौदस, दीपावली और उसके बाद में 2 दिन जो एकम पड़ती है उस दिन से लेकर के भाई दूज तक, मतलब कि 5 दिन कंटिन्यू माता लक्ष्मी की पूजा। धनतेरस दिन के दिन से शुरुआत करके भाई दूज तक माता लक्ष्मी के जो भी व्यक्ति पाठ करता है, पूजा करता है, घर में श्री शुक का पठन करता है, उसके घर में कभी भी दोस्तों गरीबी नहीं आती, कभी भी गरीबी नहीं आती। आज के दिन घर में माता लक्ष्मी के साथ, जैसे मैंने बताया है, ये जो कीट है अगर आपके पास है तो आप इसको पूजा स्थान में रखें। धनतेरस के दिन भी रख सकते हैं, दीपावली के दिन आप चाहे तो 5 दिन इसको रख सकते हैं। इसमें भगवान कुबेर की मूर्ति है, माता लक्ष्मी की है, माँ शारदा की है, सभी की इसमें मूर्तियाँ विराजमान है। और इसके अंदर आप देखेंगे श्रीयंत्र है, माता लक्ष्मी की चरण पादुका है, और सबसे बड़ी बात है कुबेर कुंजिका। ये खास तौर से पूजा में रखी जाती है, ये है कुबेर कुंजिका। इसको आपको पूजा में रखना है और फिर आपको इसको उठा करके धन स्थान में रख देना है। कुबेर कुंजिका जिसके भी घर में पूजा स्थान में रखी हुई है वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहे। तो धनतेरस वाले दिन आप इसकी पूजा जरूर करें। इसके अंदर आपको कौड़ी, गोमती चक्र सब कुछ अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। कौड़ी जो इसमें ऐड की जा रही है वो हमारे यहाँ से, ये जो कौड़ियाँ हैं आप देखो, ये 10 साल पुरानी लक्ष्मी कौड़ी है, 10 साल पुरानी है और लक्ष्मी कौड़ी है जो आपको इस किट में रख करके दी जाएगी। बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध चीज़ें हैं। गोमती चक्र इसके अंदर है जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये है माता लक्ष्मी की आसनी। इस आसनी को आप जरूर ऑर्डर करें। आप अगर जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे
उतनी जल्दी ये चीज़ आपके पास पहुंचेगी, अन्यथा दीपावली भी निकल जाए क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर ये चाहिए समय पर तो आप इसको जल्दी से जल्दी बुक करवाएं। दूसरा ये है श्री यंत्र, जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। धनतेरस के दिन से ही आप इन्हें पूजा स्थान में रखें और पूजा शुरू करें, रिजल्ट ऐसा आएगा जो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में एक चीज आप जरूर रखना, और वो है ऊख, जिसे हम कहते हैं गन्ना। गन्ने का फल माता लक्ष्मी की पूजा में धनतेरस के दिन और दीपावली की रात को भी आप जरूर रखें। माता लक्ष्मी की पूजा में दोस्तों आपको ऊख भी रखनी चाहिए। ऊख के साथ तमाम ढेरों चीजें हैं, जैसे अपराजिता की जड़ है, दक्षिणावर्ती शंख है, हल्दी की गांठें हैं। ये तमाम चीजें पूजा पाठ की जो भी चीजें हैं, जैसे जिन लोगों ने हत्था जोड़ी और सियार संगी मंगवाई है, पूजा में इस चीज को जरूर रखते हैं। माता लक्ष्मी के आगे सफेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। जो खीर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं उसमें पंचमेवा जरूर डालें। धनतेरस के दिन ही, जैसे मैंने बताया, 6:20 पर ही आप माता जी के कलश की स्थापना कर दें और 5 दिन उस कलश को आप घर में रखें और आप तेरस से लेकर के दूज तक उसकी पूजा करें। वैसे दोस्तों एक दूसरी पूजा भी है जो तेरस से शुरू होती है और 5 तक चलती है, लेकिन अगर आप उतनी लंबी पूजा ना कर पाए तो 13 से दूज तक की पूजा करें। अगर वो भी ना कर पाए तो 13 काली चौदस और दीपावली की रात, ये 3 दिन कलश जरूर रखें, अच्छे मुहूर्त में रखें, अच्छे मुहूर्त में ही आप कलश को उठाएं। आप देखेंगे कभी भी दोस्तों घर में धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी नहीं आएगी। आजमा करके देखिए, सुनाइए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जैसे कृष्ण।